अब यह है पेज नंबर 21 और यहाँ पे बनाना है आपको पीकॉक और यह है स्क्वायर मेथड। अब देखिए मैं यहाँ पर जो है ये स्क्वायर पे मैंने नंबरिंग कर दी है, यानी इसमें काउंटिंग लिख दी है दोनों साइड पर, इस तरह से इधर वाले भी। अब इसकी मदद से आप क्या करेंगे, इसमें पीकॉक कंप्लीट करेंगे। अब देखिए फोर्थ जो नंबर है उस फोर्थ नंबर से इसका ये हेड बना हुआ है, तो देखिए मैं इसी तरह से बना रही हूँ। सेंटर से स्टार्ट करिएगा, ये देखिए इस तरह से, चलें देखिए। अब यहाँ पर ये पीकॉक के, अब देखिए थर्ड सेकंड का, सेकंड और थर्ड का हाफ पार्ट देखिए मैंने इधर ही रखा है, सेकंड और थर्ड का। अब इसके बाद ये बॉडी देखिए इसकी कहाँ तक जा रही है, थर्ड से फोर्थ, यानी देखिए इसका भी सेंटर पार्ट ये देखिए यहाँ पर। अब यहीं से इसका ये बॉडी यहाँ से शेप देंगे और ये देखिए फाइव से अंदर है, यानी फोर और फाइव के दरमियान में, ये देखिए कॉर्नर पर आके। अब इसके बाद इसकी नीचे तक ले आएंगे, ये देखिए नीचे तक आया हुआ सिक्स तक, ये देखिए इसके सेंटर में। फिर इसके बाद यहीं से लीजिएगा, ये देखिए ये इस तरह से सिक्स से थोड़ा सा आगे, मतलब ये रहा जो बॉक्सेस थोड़ा सा आगे, अच्छा कलर आप ख़ुद करेंगे इसमें, इसमें देखते हुए कलर कर लीजिएगा, मैं सिर्फ इसमें ड्रॉ करना बता रही हूँ। कलर बहुत सफाई से खूबसूरती से कलर करिएगा। अब देखिए मैं इसकी जहाँ ये बैठा हुआ है इस पर बना रही हूँ, ये देखिए ये बनाया। अब बनाएंगे हम इसके पैर, अब देखिए पैर थर्ड और फोर्थ के दरमियान में, पैर इसके ऐसे ही हैं, ये देखिए इस तरह से बनाए इसकी। अब देखिए मैं इसकी आई बना रही हूँ, इसकी बीक, ये देखिए इस तरह से बनाया। अब इसके बाद ये देखिए ये कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा भी नहीं भरिएगा, ये देखिए इस तरह से। अब बनाएंगे इसके हम प्लीज, बस ये स्पेस देखिए बनाते जाइएगा। यहाँ पर देखें किस तरह से बना हुआ है, ये देखिए। अब कलर जो है इसमें देखते हुए कलर आपको खुद कंप्लीट करना है।